नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीआरटी हिंदी चैनल पर। जैसा कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मेरा कुछ ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर से, जिस कारण से कि वीडियो बनाने में थोड़ी असमर्थता है, इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। लेकिन ज़रूरी जो मैसेज होगी कोशिश करूँगा कि वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो जैसा कि NIOS की आगामी परीक्षा होने वाली है 504 और 505 की, तो इसकी डेट में रोज़ नए नए चेंजिंग आ रही है और कोई भी कंफर्म डेट अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस के दौरान NIOS के चेयरमैन ने कुछ ज़रूरी बातें बताई है परीक्षा के बारे में, जिसका कि वीडियो और एक छोटा सा न्यूज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं, फिर हम लोग उस वीडियो को भी देखेंगे जिसमें कि NIOS के चेयरमैन ने सभी शिक्षार्थियों को संबोधित किया है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, एक कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे कि DLED की पहली परीक्षा का 31 तक आएगा रिजल्ट, यानी रिजल्ट के बारे में यह न्यूज है कि 31 तक रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई 31 तक क्या, 31 तक रिजल्ट आएगा? तो यहाँ पे आप देखिए, ये पूरी की पूरी न्यूज NIOS DLED के बारे में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लास्ट में उन्होंने बात करते वक्त छोटी सी न्यूज बताई कि प्रोफेसर शर्मा कहते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा देश भर के तकरीबन 14 लाख अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम DLED चलाया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के जरिए प्रशिक्षित हो रहे शिक्षकों में तकरीबन 3 लाख शिक्षक बिहार के हैं। शिक्षक प्रति शिक्षण पाठ्यक्रम की पहली परीक्षा हो चुकी है, इसकी रिजल्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त तक आ जाएगी। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों की जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई से 4 अगस्त तक आ जाएगी और एग्ज़ाम लेने की बात कही जा रही है कि सितंबर के एग्ज़ाम भी ली जाएगी। अब चलिए हैं, सुनते हैं इनकी वीडियो जो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान DLED के शिक्षार्थियों को संबोधित किया है। इसके बाद दूसरी परीक्षा हम सितंबर में करना चाह रहे हैं और इस तरह से हम फरवरी तक सारी परीक्षाएं और सारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी पूरा कर देना चाहते हैं। जो लोग बच जाएंगे, दूरस्थ शिक्षा की एक खूबी है कि आपको एक बार परीक्षा देने का मौका नहीं, कई बार परीक्षा देने का मौका मिलता है। मार्च के महीने में, क्योंकि डेडलाइन दिया गया है 31 मार्च 2019, मार्च में सभी को जो छूट गए रहेंगे उनको दोबारे सारी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो 31 मार्च 2019 तक सारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट हम चाहे बाद में निकालें, क्योंकि संसद ने ऐसा पास किया है कि 31 मार्च 2019 तक ये पूरा होना चाहिए, नहीं तो वैध नहीं होता। उस 21 मार्च 2019 में अगर कोई कैंडिडेट फिर फेल करता है, उसके लिए क्या फिर उस दिन समाप्त हो जाएगा उनका? जी बिल्कुल, देखिए ये संसद द्वारा पारित है कि 31 मार्च 2019 तक इसको पूरा होना जरूरी है। और आप जानेंगे कि जब कोई एक्ट पास हो जाता है तो वो कानून है देश का, तो हम लोग उससे आगे नहीं जा पाएंगे। 31 मार्च तक हम सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। रिजल्ट, क्योंकि हमारी कॉपियां जचेंगी, फिर रिजल्ट बनेगा, मार्कशीट इशू होगा, तो वो अप्रैल मई जून तक जा सकता है। लेकिन सारी प्रक्रिया 31 मार्च 2019 तक निश्चित तौर पर पूरी।